साथियों, हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको हर्निया से संबंधित जानकारी से अवगत कराएंगे। हर्निया प्रॉब्लम्स कॉज सिम्टम्स। हर्निया तीन जगह पर हो सकता है। हाइटल हर्निया, जब पेट का कोई हिस्सा डायफ्राम के छिद्र से सीने के पास आ जाता है। दूसरा अम्बिलाइकल यानी कि नाभि हर्निया के नाम से भी इसको जानते हैं। ये नाभि के एरिया के पास में हर्निया होगा, नाभि के एरिया के पास में ये हर्निया होता है। तीसरा होता है इग्विनल हर्निया। इग्विनल हर्निया होगा तो मेल के अंदर टेस्टिस के पास और फीमेल के अंदर वेजाइना के पास होगा। तो इग्विनल हर्निया, अम्बिलाइकल हर्निया, हाइटस हर्निया, ये तीन प्रकार का हर्निया हो सकता है। इस हर्निया में आप देखेंगे कि वो पार्ट उभर कर दिखाई देने लग जाएगा। अगर हर्निया नाभि के पास होता है तो नाभि के आसपास के एरिया में कहीं न कहीं एक गुब्बारा सा छोटा सा गांठ बन जाएगा। इसी प्रकार हाइटस हर्निया स्टमक के वॉल के पास यानी कि ऊपर की तरफ होगा। इग्विनल हर्निया आपके जेनिटल ऑर्गन्स के पास हो सकता है। आज की इस श्रृंखला में हम विस्तार से जानेंगे आखिर क्यों होता है हर्निया। जब हमारी बॉडी लगातार एसिडिक नेचर में रहती है, लगातार बॉडी में एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड का पीएच लेवल एसिड की तरफ बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में हमारी मांसपेशियां लूज होने शुरू हो जाती हैं, यानी कि ढीली हो जाती हैं। लूज होती हैं तो हमारे शरीर के अंदर 100 से ज्यादा वॉल्व काम करते हैं। वॉल्व से आशय आपके वो रास्ते, वो दरवाजे जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम किसी पानी के पाइप में 20-20 में से दबाव देंगे तो हम पाएंगे कि पानी का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। अगर हम दबाव नहीं देंगे, जो नॉर्मल प्रेशर है वो चलते रहेगा, यानी कि हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलते रहे, चाहे वो पैर के नाखून की बात करें या सर के बालों की बात करें, यानी कि सर के बालों से लेकर नाखून तक आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे, हर सेल तक पहुंचे। ये काम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद वॉल्व करते हैं। आपने हार्ट के वॉल्व के बारे में सुना होगा कि हार्ट के वॉल्व लूज हो गए हैं। हार्ट के वॉल्व लूज हो जाते हैं तो हार्ट के अंदर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता। ऐसे ही शरीर के अंदर अगर वॉल्व लूज हो जाए तो उनके अंदर भी सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से शरीर के अंदर नहीं घूमता। तो ऐसे कंडीशन में लगातार बॉडी के एसिड नेचर में रहने से हमारे शरीर के वॉल्व लूज हो जाते हैं, मसल्स लूज हो जाती हैं और सर्कुलेशन धीरे धीरे वीक होने लगता है। ऐसी कंडीशन में उस वीक सर्कुलेशन का कहीं ना कहीं कोई दबाव महसूस होता है, तो उस वजह से हमारा वो पार्ट यानी कि जहाँ दबाव होगा, चाहे वो इंटेस्टाइन पर हो, चाहे वो हमारे स्टमक के एरिया में हो, चाहे वजाइना या टेस्टिस के आसपास के एरिया में हो, वहाँ वो धीरे धीरे उभर कर सामने दिखाई देने लगता है। इसकी मेन वजह यही है कि आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक हो चुका है, लंबे समय से ये है। और जब हम कई बार इसका ऑपरेशन भी करा लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी बॉडी का नेचर ठीक नहीं होगा, उसका पक्का समाधान नहीं होगा। ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा से उभर आता है। इसका एकमात्र कारण है उसको जड़ से ठीक नहीं करा गया है। जब तक हम बॉडी के एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस नहीं कर देंगे, जब तक हम बॉडी में बढ़े हुए एसिड को डाउन नहीं कर देते हैं, तब तक हर्निया का परमानेंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ऐसे में अगर आप इसको परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, इसका केवल एक उपाय है, आप अपने बॉडी के एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर लीजिए। इसके लिए न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन बिल्कुल बैलेंस रहे। न्यूरोथेरेपी में इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देकर आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम से, स्टमक के सिस्टम से, आपके किडनी के सिस्टम से, आपके डिटॉक्सिफिकेशन के ट्रीटमेंट से आपके एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित एक नई जानकारी से फिर आपको अवगत कराएंगे।